नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। अगर आपके जिंदगी में रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आया है जहां पर आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन अटैचमेंट की वजह से या फिर प्यार की वजह से आप कन्फ्यूज हो, क्या मुझे उस इंसान के साथ रहना चाहिए? अगर मैंने उस इंसान को खो दिया तो मेरा क्या होगा? अगर ये सभी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो यकीन करो, आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। रिलेशनशिप में क्या होता है, रेगुलर फाइट्स रिलेशनशिप का एक पार्ट है। आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा निगेटिव हो जाती है, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि सिचुएशन में हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, रिलेशनशिप को बचाने के लिए हमेशा एफर्ट्स डालने चाहिए। एफर्ट्स डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये मैंने कई बार कहा है, लेकिन ये जानने वाली बात है कि हमेशा एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप सही तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हो। देखो, कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम सही तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हैं। एफर्ट्स का मतलब क्या कि हम बस कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, उस इंसान को हम इरिटेट कर देते हैं। मैं इस टाइप के एफर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ कि आप उस इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हो एक नॉर्मल तरीके से, यानी कि एक बार आपने उस इंसान को कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया, या आप कॉल पर अच्छे से बात कर रहे हो लेकिन वो इंसान काफ़ी निगेटिविटी के साथ, इरिटेशन के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ आपसे बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे हो, यानी आप अपने साइड से हमेशा पॉजिटिव तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन उस पर्सन का कभी भी सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है इस रिलेशनशिप को, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है आपको। तो इस सिचुएशन में कुछ दिनों के लिए या फिर हमेशा के लिए पार्टनर से दूर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीन करो, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर मैंने उस इंसान को खो दिया तो शायद ये लॉस मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा। ऐसा आपको लग सकता है कि उससे बेटर मुझे कोई नहीं मिलेगा, वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन यकीन करो, अगर इतनी निगेटिविटी है कि आपके पॉजिटिव एफर्ट्स का कभी भी सही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो यहाँ से बाहर निकलने में ही भलाई है। थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग करो, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए उस इंसान से दूरी बनाकर रखो, उस इंसान से दूर रहो। लेकिन अगर आप कुछ दिनों के लिए भी उस इंसान से दूर रहने के लिए तैयार नहीं हो तो ये निगेटिविटी बढ़ते चले जाएगी, आपकी वैल्यू नहीं बचेगी, रिलेशनशिप में बहुत सारी निगेटिव बातें होने लगेगी। कई बार क्या होता है, दूसरी सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि पार्टनर आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके फीलिंग्स इमोशंस की केयर नहीं करता। इसमें मैं पार्टनर को भी ब्लेम नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं हम खुद ही हमारी फीलिंग्स इमोशंस का कंट्रोल उस इंसान को दे देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो पर्सन हमारे फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लेता। अगर हम रो रहे हैं उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम उस इंसान से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वो इंसान कंप्लीटली इग्नोर करता है, बिना ये सोचे कि आप कितने दुखी हो रहे हो, आप कितने परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम पार्टनर को ब्लेम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हम ही खुद को कमज़ोर बना के रखते हैं, हम ही उस इंसान के लाइफ में खुद को इतना इन्वॉल्व कर देते हैं इमोशनल लेवल पर, जिस वजह से हमें दुखी होना ही पड़ता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों को ब्लेम करोगे, पार्टनर को ब्लेम करोगे तो दुख ही मिलेगा। वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, हजार बुराई उस इंसान में भी है, लेकिन आपको फिर भी अपनी बुराई ठीक करने की ज़रूरत है। जो आप कमज़ोर बन रहे हो, जो आप उस इंसान के सामने दुखी हो रहे हो, ये सारी बातें आपके कंट्रोल में हैं। अगर आप भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, स्टिल उस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसान फीलिंग्स इमोशंस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस मेंटेन करके रखो। बार बार उस इंसान के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उस इंसान के सामने खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करोगे तो वो इंसान आपको दुखी देखना सीख जाएगा या फिर सीख गया होगा। इससे क्या होगा,
कभी भी आपको रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी जिस हैप्पीनेस के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो। मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी ज़रूर लग सकती है, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ। रिलेशनशिप को अगर सही तरीके से नहीं चलाओगे, इमोशंस के बेसिस पे चलोगे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि दुख ही मिलेगा। कहीं ना कई बार आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने चाहिए। थोड़े डिस्टर्बिंग हो सकते हैं आपके डिसीजन, लेकिन ट्रस्ट मी, लॉन्ग रन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। उस इंसान के बिना नहीं जी सकते, तो एटलीस्ट उस इंसान के बिना कुछ दिन रहना सीखो। उस इंसान से इतनी ज़्यादा भी अटैचमेंट मत बढ़ाओ, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये सारी बातें आपके रिलेशनशिप में चल रही है, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए आपके पार्टनर से दूर हो जाओ। कुछ जानने की, कुछ समझने की कोशिश मत करो। इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी आपने कुछ नहीं जाना अभी तक, कुछ नहीं समझा अभी तक। न जाने कितने दिनों से आप दुखी हो रहे हो, न जाने कितने दिनों से आप एफर्ट्स डाल रहे हो, कुछ मिला आपको? इसीलिए कुछ दिन रिलैक्स रहो। जो भी माइंड में सवाल चल रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब खुद दो और झांको मत उस इंसान के जिंदगी में कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये जानना है, वो जानना है। कुछ नहीं जान सकते आप जब तक आप खुद में स्टेबल नहीं रहोगे। खुद में स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों के लिए उस इंसान से दूर हो जाओ। नहीं हो पा रहे हो, लग रहा है कि स्टिल बहुत डिस्टर्बिंग है, हमेशा के लिए दूर होने पर फोकस करो। यकीन करो, जब आप स्पेस मेंटेन करना स्टार्ट करोगे, दूसरी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करोगे, बहुत आसान हो जाएगा। शुरुआत में तो टफ रहेगा ही, लेकिन इतना भी टफ नहीं है जितना टफ अभी आप एक सिचुएशन आपने बना के रखी है। इसीलिए बेटर है खुद को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, थोड़ा मोटिवेट करके कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट दूर रहने की कोशिश करो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।